सभी दीदी को जोहार। ये देखिए नीम का गोटा है, कम से कम 2 से 3 किलो होगा, और उसको हम कूट के कोई बाल्टी या बर्तन में, बड़ा सा बर्तन में 1 या 2 दिन फुला के रहने देंगे। 2 दिन इसको फुला के रहने दिए, उसके बाद देखिए खौला के उतार दिए हैं। खौला के उतार के हम इसको बारी में फूलगोभी जो है वहाँ छिड़काव करने जा रहे हैं, ताकि मेरा फूलगोभी में कीड़ा ना लगे। देखिए दीदी, ये इसको हम अभी छान रहे हैं, ताकि बारी में छिड़काव करने जाएंगे इसलिए। देखिए कैसे दीदी लोग बना रही है। अब इसको बारी ले जाना है, बारी में ले जाके छिड़काव करते वक्त दिखाएंगे। बारी ले जाने के लिए तैयारी किया जा रहा है। घर बैठा देखिए, जो नीम का बनाया गया है कीटनाशक, उसका छिड़काव किया जा रहा है। इसको बनाना बहुत ही सरल और आसान है। इसका छिड़काव हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह का कीटाणु या फिर कीट, मतलब कीट लगा नहीं है, इसीलिए दोबारा इसका छिड़काव कर रहे हैं। और मम्मी ने शकुंतला देवी का कहना है कि इसका ट्रेनिंग ये विशाल सर से ली हुई है, जो कि इनको बहुत ही उपयोगी लगा और बहुत ही उपयोगी साबित हुआ इसके लिए। शकुंतला देवी जी विकास सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती है। धन्यवाद धन्यवाद विशाल सर।